बस कुछ मिनट और फिर देखो सम्राट, मैं कैसे तुम्हें राजा से रंक बनाता हूं। अब तुम्हारा सारा पैसा होगा मेरे अकाउंट में और तुम होगे निल नल्ला, जीरो बटा सन्नाटा। खुल जा, खुल। ओ, नेटवर्क, ये नेटवर्क भी ना, और यही प्रॉब्लम है इस देश की। जब जरूरत हो ना, असली जरूरत हो नेटवर्क की, तो लो नेटवर्क। कम ऑन मून, अरे यार कम ऑन, आ जा। एक और बार निकाल के फिर से डाल दो। Come on. आप यहाँ हैं? मैं कब से आपका बेडरूम में वेट कर रही हूँ? क्या हो रहा है? क्या ये? काम कर रहा हूँ। सारा दिन काम। बस बहुत हो गया काम, अब चलिए नीचे। से मैं देख रही हूँ, जब से भैया का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा काम कर रहे हैं आप। करना पड़ता है। एक काम करो तुम, चलो मैं 5 मिनट में आया। 5 मिनट कुछ नहीं, इसी वक्त नीचे चलिए। 5 मिनट अभी चलिए, वरना भैया को जाके बताती हूँ। अरे चलिए। अभी तक तो कोई उठा भी नहीं होगा। ये कैमरा कहाँ है? किसी के हाथ तो नहीं लग गया? जा सकता। कहाँ गया कैमरा? अरे यही कहीं होना चाहिए, गया कहाँ? अब क्या ढूंढ रहे हैं आप? फिर कुछ गिर गया क्या? नहीं, कुछ नहीं, वो बस जरा एक्सरसाइज कर रहा था, स्ट्रेचिंग। वो अच्छा होता ना सुबह। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली आजकल ऑफिस में बैठे बैठे कमर एकदम अकड़ गई, तो सोचा सुबह का वक्त अच्छा है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं बस। आइए ना, आप कपड़े सुखा लीजिए। क्या खाक ढूंढूंगा मैं कैमरा? पर ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब जब मेरे ढूंढने पे नहीं मिल रहा है तो इन्हें कहां से मिल जाएगा? चल अमृत, जल्दी चल, पासवर्ड तो मिल ही गया है। अब जल्दी से मनी ट्रांसफर कर लेता हूं और आगे की जिंदगी अदिति के साथ ऐशो आराम से बिताऊंगा। शांति, आप लोग दोनों क्यों आए हो? हम दोनों यहाँ पे खेलने आए हैं। हाँ, हम दोनों यहाँ पे खेलने आए हैं। अच्छा, भाभी हम चलते हैं। तो आप लोग दोनों यहाँ खेलने आए हैं, तो क्या खेलेंगे आप लोग? जो भी मन में आएगा। हाँ मम्मा। अच्छा, और ध्यान रहे दोनों के दोनों आधे घंटे में नीचे चाहिए, और ज्यादा बदमाशी नहीं। कितनी देर में? आधे घंटे। वेरी गुड, चल। अरे वाह, सुबह सुबह आप इतने तैयार होके कहाँ चल दिए? हम भूल गए क्या?
आपका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था क्या? डॉक्टर गया छुट्टी पे और हम जा रहे हैं ऑफिस। कैसी बात कर रहे हैं आप सम्राट जी? आप भूल गए क्या, डॉक्टर ने आपको कुछ दिन अच्छे तरीके से आराम करने के लिए कहा है, अभी आप पूरी तरीके से ठीक हुए नहीं और खड़े हो गए ऑफिस जाने के लिए। अरे वो डॉक्टर नहीं, का बच्चा क्या बताएगा मेरे बारे में, है कौन वो? देखिए आई एम ऑलराइट राइट नाउ, फिट एंड फाइन माय डार्लिंग। सम्राट जी प्लीज आप अभी स्ट्रेन मत लीजिए, आपके पैरों का दर्द कहीं परमानेंटली हो गया तो? सम्राट जी कुछ दिन की बात है, हमारी बात मान लीजिए, फिर तो आपको ऑफिस जाना ही है ना, हम नहीं रोकेंगे, आप अभी आराम कीजिए। मेरी बात तो सुनिए, नहीं फोर्स करेंगे आपको बाद में। आप बेगम साहिबा मेरी बात सुनिए आप, कुछ नहीं होगा हमें, कुछ नहीं होगा ओके। कौन सा मुझे पैदल चल कर जाना है, वहाँ पर भागा दौड़ी करनी है? नहीं जाना, गाड़ी में बैठ कर जाना है, ऑफिस में उतरना है, चेयर पर बैठना है, खत्म, और क्या करना है? सम्राट जी टेंशन मत लीजिए, डू नॉट टेक टेंशन ओके। अब काम भी तो देखना जरूरी है ना। अब पता नहीं मेरे पीछे से इन बंदरों ने मेरे बिजनेस की क्या हालत की होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे जाने के बाद आप मुझे बहुत ज्यादा मिस करेंगे इसलिए रोक रही हूं? मिस तो करेंगे हम आपको, लेकिन रोकने की वजह वो नहीं थी। देखिए आज मुझे जाने दीजिए, आज मत रोकिए प्लीज, नहीं तो एक बड़ी बीमारी के चक्कर में दूसरी बड़ी बीमारी हो जाएगी। क्या बात, आपका एडिक्ट हो जाऊंगा मैं आपके साथ रह रहकर। अच्छा सही तो कह रहा हूं, आप है इतनी स्वीट। रहने दीजिए, हमें चने के झाड़ पे मत चढ़ाइए। चलिए काम करता हूँ, आज नहीं जाता मैं। हैप्पी? नहीं, आपको काम है, आप ऑफिस जाइए, पर एक बात का ख्याल रखिए, आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे और घर जल्दी आएंगे। यार हर चीज का टाइमर क्यों लगाया हुआ है आपने? हाँ बेटा कैसी हो तुम, सब ठीक है ना बहा? हाँ मम्मी हम बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ? यहाँ तो सब ठीक है बेटा, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आई इसलिए फोन लगा लिया तुमको। मम्मी का फोन नहीं है। बेटा दामाद जी कैसे हैं? मम्मी दामाद जी सम्राट जी बिल्कुल ठीक है। बोल दीजिए ना मम्मी से। क्या बोले हम? यही कि आपने सम्राट जी को अच्छा कर दिया और अब वो अपनी बीवी को प्यार करने के अलावा और कुछ नहीं करते। हेलो उर्मी, हमको लगता है तुम थोड़ा बिजी हो, कोई बात नहीं हम बाद में बात करते हैं। हाँ मम्मी हम आपको फोन करते हैं। ठीक है बेटा। यही वक्त मिला था आपको प्यार करने? और क्या, अरे भाई प्यार का दरिया कब उफान पर आ जाए कौन जानता है। हाँ जी ऑफिस नहीं जाना आपको? देख लेंगे बंदर। क्या बात है सरोज, उर्मी से बात करके बड़ी खुश लग रही हो। हाँ माँ बहुत खुश लग रही थी उर्मी, लगता है सम्राट जी उसे बहुत अच्छे से रख रहे हैं, दोनों के बीच का प्यार समझ में आ रहा था आज तो। यही तो बात है बहू, पति पत्नी में लाख झगड़ा हो लेकिन बात प्यार पर खत्म होना यही बात अच्छी होती है। हमारी तो बस प्रार्थना है हमेशा ऐसे ही खुश रहे दोनों। सच में देखा अनु,
तुम्हें लगता था ना कि शादी करके उर्मी बहुत दुखी है, अब तुम्हें पता लगा ना कि वो कितनी खुश है। हाँ दादी। अब तुम भी फटाफट हाँ कर दो ताकि तुम्हारी भी शादी करवा दी जाए। दादी प्लीज, अब घुमा फिराकर हर बात हमारी शादी पे क्यों ले आती है? करण जैसा लड़का इतना संस्कारी और अच्छा कहाँ मिलेगा? और बाद में तुम हाँ करोगी तब तक अगर कोई ऊबड़ खाबड़ मिल गया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, और जब सही वक्त आएगा ना तब हम खुद ही देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। अरे लेकिन अच्छा अच्छा बस करो, खत्म करो बात, हम तो बात भी ना करें इससे। भाई साहब के बिना घर एकदम सुना सुना लग रहा है। ठीक कह रहे हैं पापा, वो होते तो घर में रौनक रहती थी। चलो मैं चलता हूँ ऑफिस। अरे ढंग से चाय तो पी लीजिए, ऐसी भी क्या जल्दी है? पी तो ली, बस हो गया, जा रहा हूँ ऑफिस। ओके भाई। चिंता मत करो अमृत। आज हम भी ऑफिस जाएंगे, सब काम हो जाएगा। ओके भैया, आप क्यों जाएंगे, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप ऑफिस कैसे जा सकते हैं? मैं कैसे चल सकता हूं, मतलब अपने सर के बल तो जाऊंगा नहीं, पैरों पर चल के जाऊंगा, जाहिर सी बात। नहीं मेरा मतलब है बेटा, अभी डॉक्टर ने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, एक बार कंसल्ट कर लो, पूछ के देखो डॉक्टर क्या कहता है। हो गई पापा, सब बात हो गई। बेटा हमारी बात तो सुन लो तुम। ए बेटा तुम्हें इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर चले जाना ऑफिस। यार मैं ठीक हूँ, ठीक है ना, यहाँ घर पे पड़े पड़े बुरी तरह सड़ गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, जाना जरूरी है, समझिए बात। भैया आप ऐसा मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं जा रहा हूँ काम संभालने ऑफिस में। आप क्यों जिद कर रहे हैं, अब आप आराम कीजिए। अब इतने दिनों से मैं संभाल रहा हूँ, कुछ दिन और संभाल लूंगा और क्या। हाँ बेटा दामाद जी संभाल रहे हैं ना। अरे क्या चल क्या रहा है यार, बोल दिया मैंने मुझे जाना है, खत्म बात, सबके सब शुरू हो गए यहाँ पर, और जाना है मुझे अभी, बैंक भी जाना है मुझे, उनका फोन आया था कुछ डिस्कस करना है उनको। बैंक से फोन आया था, मतलब क्या क्या क्या, क्या, क्या फोन आया था? अरे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होगी उनको, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, क्या हो गया, मैं बात कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ ना। अरे नहीं नहीं भैया, आप ऑफिस नहीं जाएंगे आज, बस आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, मैं हूं ना, मैं चले जाऊंगा बैंक भी, वहां का काम भी देख लूंगा, क्या है। लेकिन अगर सम्राट जी जाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जाने दीजिए ना इन्हें। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भाभी, वो तो बस मैं भैया की सेहत के बारे में सोच रहा था। भैया आप रुको ना, आप आराम करो, मैं चाहता हूँ। हाँ तो ठीक लग रहा है ना, उन्हें बेटर फील कर रहे हैं, और ऑफिस जाना। अरे हो गई आप दोनों की बहसबाजी, हाँ खत्म हो गई, तो काम कर ले थोड़ा सा, आओ भाई चलो काम पे, चलो चलो चलो। सम्राट भैया भी ऑफिस जा रहे हैं, चलो चलो भैया। एंड टाइम पर ये मेरा काम बर्बाद नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कुछ सोच अमृत, कुछ सोच। सम्राट बेटा, यार इतना दिनों बाद घर से बाहर निकला, फिर टोक दिया ना, कि क्या बेटा बेटा क्या चाहिए, क्या क्या दिक्कत क्या है? हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि अपना ध्यान रखना है। रख लूंगा अपना ध्यान, आप अपना ध्यान रखिए। मैं हूं ना, मैं ध्यान रख लूंगा, चलिए अपना ध्यान रखो आप। हाँ इसकी भी क्या टाइमिंग है, आज ही आना था इसको, एक दिन और नहीं रुक सकता था, पर अब कुछ तो करना पड़ेगा वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या है जो रोक सकता है इसे? खोए हो आइंस्टाइन, कहाँ खोए हो? जब देखो आजकल देखता हूँ मैं खोए होते हो, क्या सोच रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या सोच रहे हो? बस आपके बारे में ही सोच रहे थे। मेरे बारे में? कुछ कहना चाहते थे आपसे। मुझे कुछ कहना है, क्या कहना है बोलो। इतनी लंबी बीमारी के बाद आप घर से निकले हैं सीधा काम पे, थोड़ा फन थोड़ा रिलैक्स भी तो बनता है ना। मेरा मतलब है अगर आप पहले वाले
सम्राट भैया होते तो मैं उन्हें एक स्पेशल ट्रीट देता आज। पहले वाला मैं मतलब क्या एक्सीडेंट के बाद मेरी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं हुई है या कुछ रिप्लेस हो गया है, कुछ ट्रांसप्लांट हो गया? दिल दिमाग आत्मा सब भैया मेरे भाई। मतलब अगर आप पहले वाले सम्राट भैया होते तो आपको शौक था ना कन्याओं का, वो अरेंज। गाड़ी रोको, मैं ऑफिस चलते हैं। ऑफिस? गाड़ी रोको, क्या बोला मैंने? गाड़ी रोको वहां पर। आप तो नाराज हो गए भैया। भैया भैया आप बुरा मत माने, हम जानते हैं आप बदल गए हैं, बदल गए हैं आप। क्या बदल गए, बदल गए लगा रखा है भाई? एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या जो बदल जाऊंगा? हाँ जी अमृत बाबू, अब भगवान भी जमीन पर आ जाए ना तो भी नहीं बदल सकते हैं सम्राट सिंह राठौड़ को, इतना याद रखना। अबे 4 दिन बीवी के साथ प्यार से क्या गुजार लिए, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बीवी भक्त बन गए। बीमारी में आदमी को कड़वी दवा भी खानी पड़ती है और परहेज भी करना पड़ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी का टेस्ट बदल जाएगा। भैया अब क्या कहें, कसम से इस बार जो जो आपने किया ना तो बिल्कुल आपने हर चीज की। उर्मी भाभी के लिए ऐसे लग रहा था कि आप तो डूब गए उनके प्यार में। वैसे वो नहीं कहते, वो बन गए आप वफादार पति। क्या हो गए? वफादार पति। वफादार कुत्ते होते हैं, शेर नहीं। सीधी बात है यार, जब आदमी 56 भोग खाने की कंडीशन में ना हो तो उसे खिचड़ी खानी पड़ती है मेरे भाई। थोड़ा ब्रो धो के बेमन से खाने से अच्छा है कि उसमें थोड़ा घी अचार मिलाकर खुश होकर खाओ, तड़का मार के। अब मुझसे नाराज होके बैठी थी, बोल मेरा ईगो हर्ट किया था मैडम ने यह कहकर कि मुझसे प्यार नहीं करती है। ठीक है भाई, हमने भी अपना रोमांस दिखा दिया, दो बातें कर ली, प्यार से निकल गया, मतलब हो गया काम। और अब क्या सूखे सूखे रहते क्या घर में? मैडम को अब ऐसे बोतल में उतारा है हमने कि जिंदगी भर आगे पीछे दौड़ेगी हमारे लट्टू की तरफ। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। भैया सच कहें, इस बार आपने जो ये खेल खेला है इसके बाद इतना हम बता सकते भाभी किसी चीज के लिए भी कभी मना नहीं करेगी आपको। अरे मुझसे उलझ रही थी यार, बताओ मुझसे चैलेंज कर रही थी मुझे, है पागल? आपको तो भैया चरण कहाँ है आपके, धन कीर्तन आपके चरण धो के पी लूं, तो इतने बड़े खिलाड़ी आप, ग्रेट, सुपर ग्रेट, गुना ग्रेट। वो भगवान की बनाई सबसे सुंदर और बेवकूफ प्राणी। क्या है? बेवकूफ प्राणी। जरा सा प्यार दो बिछ जाएगी तुम्हारे कदम, फिर जो चाहे ले लो।
छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा रिटर्न। शाबाश, क्या सही जा रहे हो बिल्कुल अमृत। इसका मतलब आप इतने दिन ये खिचड़ी मजबूरी में खा रहे थे ना? यार तुम इतना नहीं समझते हो हैं? क्या भूसा पड़ा हुआ दिमाग में क्या है क्या? अरे भाई हलवा पूरी खाने के बाद कभी कभी खिचड़ी खा लेनी चाहिए, अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है, समझे? अब मैडम घर पे खुश है, जो मैं चाहता था, घर पे खुशहाली बनी हुई है बस, और मैं घर पे भी खुश बाहर भी खुश, और क्या चाहिए? जीनियस हैं आप भैया, और कुछ नहीं, जीनियस हैं आप। तो इसका मतलब आज मैं आपके लिए कुछ बिरयानी या आपका कोई भी फेवरेट व्यंजन तैयार किया जाए? बेशक, लेकिन याद रहे बढ़िया होना चाहिए, बहुत दिनों बाद हो रहा है। बढ़िया होगा भैया, बढ़िया होगा। क्या खाएंगे बोलिए? इटालियन, ऑस्ट्रेलियन, रशियन, बताइए तो। कॉकटेल ले आओ। धन्य है प्रभु, धन्य है। तो फिर